हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषी। तो चलिए, कल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट कैसे ऊपर जाता है और नीचे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज डिस्कशन करेंगे मार्केट में ये स्टेज में कहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, एज ए ट्रेडर मैं कैसे इन्वेस्टिंग करूँगा, जो प्लान है मेरा, और शॉर्ट टर्म में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे हो गया, पोजिशनल हो गया, इसके पीछे का व्यू क्या है मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिए। एंड संडे में थोड़ा जनरली वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको पता है, लेकिन इतने सारे लोगों का था और आप लोगों ने वीडियो को देख के सीख रहे हैं, आपका कमेंट से दिख रहा है कि ना आप लोग इंटरेस्टेड हो लर्न करने के लिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए संडे के दिन पे, क्योंकि संडे मेरा भी होता है, मेरा भी हॉलीडे रहता है। लेकिन हाँ, इतने सारे कमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि ना आपको थोड़ा सा जल्दी और सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं सिखा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखिए। कोई शॉर्टकट नहीं है मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए। जो चीजें आप सीखेंगे, लॉजिकली सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिए, सो दैट आप कुछ पॉइंट लेके जाइए। बस वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह 10-15 मिनट देखिए, उसको लिख लीजिए पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इन फ्यूचर जब रिपीटेटिव एक्शन होगा फिर आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। तो कल का जो हम लोग का लर्निंग था, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट 2 से 3 साल के अंदर एक डाउनफॉल आता है, एक अपमूव जाता है मार्केट, फिर एक डाउनमूव आता है, फिर अपमूव जाता है, फिर डाउनमूव होता है। आज से लेकर अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप चेक करोगे, 8 में आया था, 10 में आया था। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये 8 पे एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद फिर ये डाउनफॉल आया था 10 में, उसके बाद ये फिर आया था 13 में, 8, 10, 2 साल, 10 से 13 जो डाउनफॉल आया था, 3 साल, फिर ये 2 साल के बाद 15 में फिर से डाउनफॉल आया। इसका मतलब जो मार्केट का रोटेशन है, इंडियन मार्केट का रोटेशन है, वो 2 से 3 साल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका 40-50% 2 से 3 साल के अंदर आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट, जिसे हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट 16 के बाद 17 के बाद एक अच्छा डाउनसाइड नहीं आया, मार्केट कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट ये जो पीरियड है ऊपर गया है, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट गया था यहाँ पे, अभी एक ट्रेंड लाइन में मार्केट फंसा हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन किए थे। हमारे पास जो अभी पॉइंट बाकी है वो है, मार्केट 2-3 साल में ऊपर जाता है और मिनिमम 40-50% मार्केट करेक्शन होता है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आता है। मैंने हर एक क्लास में आप लोगों को बताया, जिन लोग आते हैं उन लोगों को पता है कि नहीं, मैं मार्केट में बस मेरा कैपिटल का 10% इन्वेस्ट किया हूँ। ये क्यों किया हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे माइंड में अभी ये जो डाउनफॉल है 40-50% आना चाहिए था, ये लॉजिकली हिस्ट्रिकली ये डाटा प्रूवन है कि नहीं मार्केट 40-50% आएगा। ये मूव का अभी तक 40-50% आया नहीं है। हमेशा एक लाइन ध्यान में रखिए, पानी का गहराई, अगर कोई नदी का पानी का गहराई आप चेक करेंगे तो दोनों पेड़ से नहीं चेक किया जाता। अगर मार्केट का कितना नीचे आएगा, हम लोग पूरा पैसा एक जगह पे नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग रिटेल ट्रेडर फंसते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव प्रॉपर प्लान। अभी क्या चीज है, देखिए ये मिनिमम मार्केट इतना रिट्रेस हुआ है, हम लोग को पता है कभी कभी वो 70-80% भी रिट्रेस हो सकता है। हम लोग अभी क्या करेंगे, एवरी 10% मार्केट डाउनफॉल में, लेट से ये 10% यहां से जो मूवमेंट हुआ है 20,000 से लेकर 32,000 जितना होता है, उसका अगर हम 10% निकालेंगे, एवरी 10% डाउनफॉल पे आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, इन फ्यूचर वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन लेट से आप कुछ स्टॉक प्लान किए, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोई भी सेक्टर प्लान किए, उसको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट जब 10% करेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी भी एक करेक्शन बाकी है, उसके बाद आप उसमें 10% इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट और 10% आ गया तो आपको और 10% इन्वेस्ट करना है। ऐसे करके मार्केट अगर 40-50% आ जाता है तो आप मार्केट में 50% पैसा आपका जा चुका होगा, इन द सेंस इन्वेस्ट कर चुके होंगे, स्टिल आपके पास 50% पैसा बना होगा, उसको कब इन्वेस्ट करना है कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। एक चीज है, छोटा सा चीज है, ध्यान में रखिए, अगर लेट्स से SBIN का प्राइस अगर अभी चल रहा है 100 रुपीज, लेट से अगर ये 100 रुपीज बहुत अच्छा है, तो आपको नहीं लगता बहुत सारे इन्वेस्टर उसको बाय करके ये 100 प्राइस से बहुत जल्दी इसको 120, 130 या 200 से 300 तक लेके जाएंगे, सो दैट कि नहीं उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, अगर ये प्राइस बहुत ही अच्छा है तो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये प्राइस कहां से डिसाइड होगा, वो जहां पे सप्लाई और डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। अभी एक चीज सोचिए, अगर डाउन ट्रेंड कहां पे स्टॉप हो सकता है, अगर आप जस्ट इमेजिन करेंगे मार्केट कहां पे स्टॉप हो सकता है, ट्रेंड कहां से ये रिवर्स हो सकता है, आपके माइंड में आएगा इधर ये ट्रेंड लाइन से जाएगा या सपोर्ट पे जाएगा, मेजर
मेजर सपोर्ट पे, ये सारे जगह पे मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है, करेक्ट, जो हम लोग कल डिस्कशन किए थे। अभी जो ये चैनल है अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होने के बाद आपका एक बड़ा टारगेट आ जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं ये मंथ कैसे क्लोज होगा, अगर ये क्लोज हो गया तो एक बड़ा टारगेट आपको मिलके आ सकता है। अभी आप लोगों के मन में क्या होगा चीजें, ये अगर नीचे जाती है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट देखना पड़ेगा कहां पे। आपको अगर ये लेवल नीचे से क्रॉस होता है तो इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखेगा ये पॉइंट 25,500 से लेकर 26,500, एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है तो आपको ये दिखेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो में आपको क्या बोला है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट अगेन एंड अगेन आ रहा है, दो से ज़्यादा टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए एटलीस्ट वीक हो चुका है। लॉजिकली एक चीज़ें सोचिए, अगर लेट्स से ये सपोर्ट 100 प्राइस है SBIN का, लोगों को अगर ये प्राइस बहुत पसंद आ रहा है तो नो डाउट ये बहुत ऊपर चला जाएगा 100, 200, 300। क्या आपको बाटा और 400 लेवल पे मिलेगा ना बजाज फाइनेंस, वो 1,000 या 1,500 लेवल पे मिलेगा, क्योंकि ये वो इतना लेवल अच्छा है कि नहीं, लोग उसको खरीद के ऊपर लेके गए। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा या फिर बड़े इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहा तो ये 100 लेवल अगेन एंड अगेन टेस्ट करेगा। जैसे अभी मार्केट अगर 25,500 फिर से टेस्ट करता है, आपको नहीं लगता यहां पे ये मल्टीपल टाइम फर्स्ट सेकंड या ऑलमोस्ट थर्ड टाइम ये फोर्थ टाइम आएगा, तो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो मेरे लिए यहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सवाल नहीं होता। भले मैं गलत हूं लेकिन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आपका पैसा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग पूरा पैसा नहीं कर रहा हूं, 10% 20% मेरा। अभी मार्केट अगर यहां तक आएगा तो नो डाउट 10 से 15% का रिट्रेस हो चुका है 20% के ऊपर, तो मैं यहां पे ऑलरेडी मेरा कैपिटल का 20% इन्वेस्ट कर चुका हूं। अगर मार्केट देखिए यहां से अगर ऊपर चला जाता है तो एटलीस्ट मैं पैसा बना के ही जाऊंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूं, लेकिन पूरा पैसा नहीं। अभी जस्ट इमेजिन अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको कहां पे मिलेगा, जो मेरे लिए अभी बेस्ट लेवल है 20,500 से लेकर 22,500, ये एक जोन बन जाता है। इसके अंदर मैं एक्युमुलेशन करूंगा, जो मेरा 50% बचा होगा ये लेवल पे अगर मार्केट आता है तो बहुत बड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे खरीद के रख सकते हैं। इसके बाद भी मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग मानते हैं इकोनॉमी अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी अच्छा है, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, स्टिल मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे खरीद रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है क्योंकि मार्केट डबल टॉप यहां पे बनाया था, क्रॉस किया था और आज तक उसको रिटेस्ट नहीं किया है, जो कि मार्केट का हिस्ट्री रहा है, जहां पे डबल टॉप मार्केट ने बनाया है उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया है। आप यहां पे देख रहे हो ये प्राइस इतना अच्छा लगा लोगों को, विद इन मंथ वहां पे खरीद के लोग ऊपर ले गए, तो सेम सिनेरियो यहां पे भी बनेगा जब, तो हम लोग पूरा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए जिन लोगों के पास ग्रुप है। इन फ्यूचर में कुछ जितने लोग शेयर करते हैं वीडियो को, प्रमोट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ फ्री में क्लासेस कराऊंगा, तो आप लोगों को बहुत सारे चीजें बेनिफिट मिलेगी। मैं चाहता हूं आप लोग चीजों को समझो लॉजिकली, मैं कभी भी आपको लेवल ब्लाइंडली नहीं बताता हूं। लेवल आपको अभी समझ में आ रहा होगा ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं चाहता हूं पर्सनली कि नहीं, हां डेफिनेटली ये लेवल तक अगर आएगा तो हम लोग पूरे फोर्स से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसीलिए 10% 20% इन्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग यही बताते रहते हैं क्लासरूम में भी, उनको होता है सर आप 10% क्यों इन्वेस्ट किए, ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि जो हिस्ट्री रिपीट हो रहा है 40% 50% मार्केट करेक्शन करना चाहिए, वो अभी भी हुआ नहीं है। अगर वो हो जाता है तो मैं फुल फोर्स से एंट्री कर सकता हूं, लेकिन कोई भी अपसाइड मोमेंटम मैं मिस नहीं करना चाहता। इसी के लिए मैं मेरा कैपिटल को ऐसा डिवाइड किया हूं 10% 20%, सो दैट मैं एटलीस्ट अगर रैली होता है कोई भी पॉइंट में, अगर मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं एटलीस्ट ये ट्रेंड मिस ना करूं, कुछ ना कुछ पैसा बनाऊं। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखेंगे ये लेवल 21,000 22,000 इवन 23,000, अगर ये लेवल पे आ जाता है जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ा लेवल है आज से बोलने के लिए, लेकिन ये लेवल पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा बाय करने के लिए। कितने सारे स्टॉक आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था जस्ट डायल 570-80 लेवल पे, इवन क्लासरूम में भी बार बार बताया हूं 540-550 इवन 500 लेवल पे भी आपको बताया हूं। जो भी मनी है वो आपका हो सकता है, उसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए मंथली बेसिस पे। आज उसका रेट चल रहा है 460। आई थिंक आपको JTRH हो गया, येस बैंक हो गया, ये सारे स्टॉक में मैंने आपको बताया था, क्योंकि लॉजिक दिख रहा है, चीजों को आप बस कीजिए। मैं कभी आपको नहीं बोल रहा हूँ पूरा पैसा डाल दीजिए, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास 1,00,000 है 10,000 20,000 30,000 धीरे धीरे करके 10-10% में उसको खरीदते जाइए, सो दैट आप एक अच्छा प्राइस में खरीद रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 1,00,000 मेरे पास है मैं पूरा खरीद लूंगा, तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखिए। ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगेगा, धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन्वेस्टिंग का जो
कॉन्सेप्ट है, अभी किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग करना चाहिए, बॉटम कहां पे है किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे मार्केट 40-50% मिनिमम करेक्शन होता है, ये कभी कभी 100% भी करेक्शन हो सकता है। तो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, जो बेस्ट लेवल मुझे दिख रहा है बाय करने के लिए, अगर मार्केट नीचे आता है ये प्लेस में आपको बाय करना चाहिए, वो प्लेस तक वेट करेंगे, एक साल लगे या पांच साल लगे, अच्छा प्लेस में बाय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट इमेजिन अगर आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग क्या करेंगे यहां से बाय करके रखे होंगे, उनको पता है कि नहीं आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन लेट्स से मार्केट रिट्रेस होके ऊपर गया तो आपका यहां तक मार्केट पहुंचते पहुंचते ब्रेक इवन होगा, और यहां से अगर ऊपर जाते हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट इमेजिन यहां पे जो डबल टॉप बनाया था, यहां से जब मार्केट निकल गया उसके बाद ये जब नीचे आया 10-10% में जिन लोग खरीदे होंगे, ये पॉइंट में जिन लोग खरीदे हैं अगर मार्केट और एक बार हाई लगाता तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला, और वो पॉइंट पे हम लोग 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको इजीली दिख जाएगा। वॉल्यूम सपोर्ट, क्योंकि मार्केट है ये आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, ये सपोर्ट पे अगर आता है तो मार्केट ज्यादा टाइम हॉल्ट नहीं करेगा कि नहीं टाइम पास करेगा, यहां से बहुत जल्दी से पुल बैक हो सकता है, तो आपको वॉल्यूम, आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट सब चीजें दिखेंगी तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए अभी चले आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आपको समझना पड़ेगा कि नहीं जो मार्केट का अभी कंडीशन है वो इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग डेली चार्ट में चले जाते हैं। ये डेली चार्ट में अगर चीजें आप देखेंगे, जो हम लोग का वायरस का इफेक्ट है या फिर इकोनॉमी है वो इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब भी मैं बोलता हूँ मार्केट नीचे जा सकता है डजंट मीन दैट कि नहीं मार्केट इस तरीके से सिंगल लाइन में आएगा। मार्केट कैसे मूव करेगा, इट विल गो अप देन कम डाउन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, फिर डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश होगा, 30,000 के नीचे कंप्लीटली मार्केट नेगेटिव है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये हैमर दिख रहा है थर्सडे का कैंडल, ये कैंडल कंफर्मेशन कब होगा, जब ये हाई क्रॉस करेगा तभी ये 200 से 300 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन अगर 30,000 के नीचे चला आता है जो प्रीवियस सपोर्ट है तो मार्केट एक शार्प फॉल हो सकता है, क्योंकि इसके बाद और कोई लेवल नहीं है, इसका मतलब मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड हो चुका है और 30,000 का लेवल इतना और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, हर एक अपसाइड में आपको शॉर्ट करने के लिए प्लान होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 month 2 month, जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोई ट्वीट नहीं करते या फिर उन लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते वायरसेस के ऊपर कि नहीं कुछ चीज़ें आ चुकी है जो कि नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है, ये वायरसेस का प्रॉब्लम कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, तब तक आपको क्या करना है, एवरी रैली पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, सिंपल चीज है, इधर आप 15 मिनट और 5 मिनट देखते होंगे, लेट्स गो टू 15 मिनट। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आ चुके हैं। 15 मिनट चार्ट में सिंपल सा चीजें है, मार्केट जैसे हम लोग मंथली चार्ट में सपोर्ट, डेली चार्ट में सपोर्ट देख रहे थे, सेम चीजें, मार्केट जब भी प्रीवियस सपोर्ट पे जाएगा, ये लेवल पे आएगा, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये पॉइंट पे आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, आपका अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी एक दो महीने के लिए आप बस शॉर्टिंग के लिए प्लान करो, पुट बाय कर सकते हो ये पॉइंट पे जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है। लेट्स से मार्केट कल नीचे खुलता है, नीचे खुलेगा तो सपोर्ट कहां पे बनेगा, जहां पे ये क्लोजिंग प्राइस है वहां पे सपोर्ट बनेगा, तो फिर मार्केट ऊपर जाके जब भी आपको एक सपोर्ट दिखता है वहां पे आप खरीद सकते हो। अभी आप स्टॉक कैसे ट्रेड करोगे, जैसे मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं, जो वीक स्टॉक होते हैं, जस्टाइल हो गया या फिर आपका ऑयल सेक्टर हो गया, ये सारे थोड़े वीक स्टॉक है, तो आप वहां पे जाके गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, ये सारे SBI एंड एक्सिस, ये सारे स्टॉक वीक स्टॉक है अभी के प्रेजेंट मार्केट में, तो आप उन लोग जाके ट्रेड कर सकते हो, जो टेलीग्राम में मैं दूंगा उस हिसाब से उनको लेवल देके ट्रेड कर सकते हो, लेकिन छोटा सा आपको ट्विक करना है, आप बाइंग के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेफर मत करो, सेलिंग के लिए प्रेफर करो, जब भी सेलिंग का मौका मिलता है थोड़ा सेलिंग में एग्रेसिव कर सकते हो, बाइंग के लिए थोड़ा पॉज कर जाओ, तो आपको बहुत सारे चीजें ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आपको ओनली एटलीस्ट अभी के लिए यहां पे सपोर्ट कहां पे देखना है, मार्केट जब भी ये सॉरी रेजिस्टेंस कहां पे देखना है, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे टच करता है और कंफर्मेशन करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, मार्केट जब भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे चला जाता है ब्लाइंडली सेल कर देते हैं, कंफर्मेशन तब होगा यहां पे जब एक अलर्ट कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाया ये सपोर्ट पे, कंफर्मेशन कब होगा जब ये ब्रेक हुआ, हमेशा ये एक हैमर बनाया, लेट से कंफर्मेशन कब होगा, ये अलर्ट कैंडल है, कंफर्मेशन तब होगा जब ये ब्रेक करेगा, सेम इन्वर्टेड हैमर बनाया है तो कंफर्मेशन कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा, इट्स अलर्ट कैंडल। तो आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, इसके बाद अगर वो कंटिन्यू और जा रहा है तो उसके
ऊपर फिर से नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आप सेल करोगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इट्स एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जो आपको मैंने इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया, इट्स 3 से 4 साल लगे मुझे फाइंड आउट करने के लिए कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरा पैसा तो लगा नहीं सकते। तो डेफिनेटली मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सीखते रहिए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।